आज के व्लॉग में दो खास बातें हैं गाइस, एक ये कि मैं मूवी देखने गई और एक उससे नेक्स्ट डे दो दिन का व्लॉग है ये, उसमें कुछ बहुत अमेजिंग मैंने किया। पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज हम मूवी देखने जा रहे हैं स्त्री। अभी पौरे साथ बिछ रहे हैं, मैं और विवेक टिकट लेने जा रहे हैं और आज मैं बहुत दिनों के बाद पहले मेरे को कह रही थी पीछे स्त्री देखने जाते, मैंने कहा कौन सी स्त्री, इसको आयन वाली स्त्री लगी स्त्री बोलते ना उसे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद मैंने सूट ना पहन के, नहीं तो मैं घर में सूट ही पहनती हूँ, तो प्रेशर इतना अलग लग रहा है आज मैंने ये पहना है। मैं मम्मी को लिटरली आज बोली हूँ कि आज हम मूवी देखने जाएंगे तो बहन जी बन के मत चलना। बहन जी मतलब जो सूट पहनते हैं वो बहन जी होते हैं? नहीं, लेकिन हमेशा क्या सूट यार, पहले मम्मी एकदम मस्त वेस्टर्न में रहती थी, सूट ही लग गई है, पता नहीं जब से व्लॉगिंग किया है कौन सा श्राप चढ़ा है। तो भी तो लोग कहते हैं कि इस औरत को तो बिल्कुल बेशर्म औरत है, इसको तो बस यही पहनने को दिखता है, तो भी तो लोग कहते हैं सोचो मैं पहले कैसे रहती थी तो कितना कहते, फिर साफ हो गया ना कैमरा। हाँ तो मैं टिकट लेके आती हूँ, मिल जाएंगे तो मूवी जाएंगे। डेकोरेशन देखो गाइस कितनी प्यारी सुंदर थी घर। आज डेट है आप लोग जा रहे थे ना, 24th ऑफ अगस्त। देखो आज मैंने ये वाला टी शर्ट पहना है, ये वाला टी शर्ट यहाँ तक का है और नीचे ये ड्रैगन्स पहने हैं, बहुत दिनों के बाद ये पहना है। चलो भगा रही है, मैं दरवाजा बंद कर, लड़की हमको भगा रही है, दरवाजा बंद कर लो, फिर वो पढ़ाई की नहीं सीख मेरे हाथ में पेन है, मैं नहीं पढ़ाई। बाय 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 बाय। गाइस हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है, हम लोगों को टिकट्स मिल गए थे और अभी 9:05 है, अब हम लोग निकल रहे हैं। जैसे मैं थी वैसे ही जा रही हूँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चों ने क्या पहना अभी दिखाती हूँ, विवेक भी तैयार हो रहे हैं। खाना हमारा हो गया, दाल फ्राई थी, जीरा राइस था और तिंदोड़े की आलू की सब्जी थी और हमारे साथ एक फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। लेट्स गो, देखते हैं स्त्री 2 मूवी कैसी है। काफ़ी सारे लोगों ने देख ली और हमें बोला कि भाई देख के आओ, तो इसलिए हम लोग सोचा चलो बहुत टाइम हो गया हमने कोई पिक्चर नहीं देखी, थिएटर पर कब से नहीं गए, आपने भी देख रहे होंगे। आप कपड़े आज यहाँ रखा हुआ है स्टैंड मैंने, आजकल मैं क्या करती हूँ जब से यहाँ डेकोरेशन हुई है ना, मैं ये स्टैंड है ना किचन में ऐसे से रख के पंखा चला देती हूँ। और मैंने बस क्या किया पता है, मेरा जो ब्राउन कलर का काजल है उसको एज अ लाइनर लगा के उसको मर्ज कर दिया है, जिससे कि वो आई शेडो वाला लुक दे रहा है थोड़ा थोड़ा स्मोकी टाइप का। दैट्स इट, चलो फिर चलते हैं मूवी देखने स्त्री 2। तुझे डेकोरेशन कैसी लगी बेटा? बहुत सुंदर लगी। और ये कलर है ना येलो, वो जो हमारी गुन्नू मामा है ना उनकी जो कपड़े है ना उनसे बहुत अच्छे से मैच करता है। अब आप गेस करो कौन सा कलर हो सकता है, कमेंट्स में बताओ। और सबसे पहले उनकी धोती, सबसे पहले यही बोली थी स्त्री 2 मूवी देखने जाना है मम्मी। फोन आ गया शायद उनका, देखना भरत भाई का साथ में आ रहे हैं ना, देख ले बेटा। गाइज आई रिक्वेस्ट यू आज का व्लॉग आप पूरा देखना है क्योंकि आगे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है कि आपकी रुचि दीदी कहाँ गई थी, कहाँ बुलाया था, कहाँ उसको ऑनर दिया था। सो हम लोग निकल चले थे घर से मूवी देखने के लिए, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मूवी देखने जा रहे थे आज, और साथ में दो फ्रेंड्स भी हैं लाइक एक हस्बैंड वाइफ जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, विवेक के एक्चुअली बहुत पुराने दोस्त हैं वो लोग। तो हम निकल लिए थे और उनकी कार से जा रहे थे, हमारी कार नहीं है, उनके पास पंच है, टाटा पंच। सॉरी मेरा गला ख़राब है, जुकाम खांसी हो रखा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग मूवी देखने पहुंच चुके थे और हम सब यहाँ बैठे थे और मैंने उन लोग को बोला हाय कीजिए, तो ये हैं हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ आए हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और कभी कभी फैमिली के साथ ऐसे आउटिंग करना, चाहे सिर्फ मूवी क्यों ना हो यार, ज़्यादा टाइम ना मिले तो मूवी देखना क्यों ना हो, लेकिन इट्स अ क्वालिटी टाइम यू नो। और अभी एक मूवी आने वाली है ना पता है, शिवाजी वाली, वो वाली मूवी का ये ऐड चल रहा था, तो विवेक ने मुझे बोला कि ये भी बच्चों को दिखाने के लिए आएंगे, मैं कहा ठीक है ऑफ कोर्स, दिसंबर में आने वाली है और इसके बाद ये सब स्टार्ट हो चुकी थी मूवी। और स्त्री मूवी के बारे में मैं अगर आपको अपनी राय दूं तो वैसे स्टार्ट होने वाली है, एक सीन आप देख ही लो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एक्चुअली इट्स अ कॉमेडी हॉरर मूवी, मुझे इंटरवल से पहले अच्छी लगी, इंटरवल के बाद थोड़ी सी बोरिंग लगी। ठीक ठीक है, हम सभी को क्लियर ग्लोइंग और रेडिएंट स्किन चाहिए, इवन आई वुड लव टू हैव अ ग्लास स्किन लाइक कोरियन मॉडल्स। और अगर मैं कोरियन मॉडल्स की या कोरियन स्किन केयर की बात करूँ तो राइस
राइस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पे स्किन केयर के लिए, ग्लास स्किन अचीव करने के लिए, मतलब ग्लास स्किन, रेडिएंट स्किन एंड ग्लोइंग स्किन पाने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरियन लोग ही उसको यूज़ करते हैं. अगर आप ध्यान दें तो हमारी जो मम्मियाँ हैं वो भी चावल का उपयोग करती आई हैं अपनी स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग और ग्लास स्किन बनाने के लिए. जैसे कि चावल का पानी, यू नो, चावल का पानी जब लगाया जाता है स्किन टाइट होती है, यूथफुल लगती है, ग्लोइंग हो जाती है, रेडिएंट हो जाती है. तो ये तो आप मानोगे ना कि राइस एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए. कैन सी हैशटैग ग्लास स्किन रिफ्लेक्शन चैलेंज. जी हाँ, ये चैलेंज मैंने भी लिया और मुझे भी काफी अच्छी सी ग्लास स्किन मिली है. तो यहाँ पे मैं किस ब्रांड की बात कर रही हूँ, जिस ब्रांड पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और डे टू डे लाइफ में इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मम्मा अर्थ के बारे में. मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ऑल मम्मा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल. और ये एक इंडियन ब्रांड है, यानी कि कह सकते हैं कि प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है. दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज. इन लोगों ने अपनी एक ऐप भी लॉन्च की है. यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स. और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है मम्मा अर्थ की वेबसाइट और ऐप दोनों पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल पे. और अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाएंगे जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप वेबसाइट और ऐप दोनों पे लगा सकते हैं, दोनों पे ही आप ये कूपन अप्लाई कर सकते हैं. यूट्यूबर 2024 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ आपकी शॉपिंग पे. लेकिन आपको बाय करना पड़ेगा या तो मम्मा की वेबसाइट से या फिर मम्मा की ऐप से. तो मैं आपको बता रही हूँ कि मम्मा अर्थ ने लॉन्च किया है एक बहुत ही बढ़िया राइस वाला स्किन केयर रेंज. तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मम्मा अर्थ राइस वाटर ड्यूई एक्शन सीरम के बारे में. ये बहुत अच्छा सीरम है, इस तरह के बॉटल में आता है. और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर राइस वाटर है और 10% नियासिनामाइड है, 98% प्योर राइस वाटर इसके अंदर. और ये ग्लास स्किन पाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मेड सेफ है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स. और इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ मम्मा अर्थ का राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन के बारे में. ऐसे बॉटल में आता है ये और इसके अंदर भी राइस वाटर नियासिनामाइड है और SPF 50 PA++++ है, मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप को सूट करता है, सन प्रोटेक्शन देता है ग्लास स्किन के लिए. तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो गाइज़ ये है मम्मा अर्थ का राइस वाटर ड्यूई एक्टिव सीरम. ये आपको ड्यूई ग्लास स्किन ग्लो देगा, मेड विद द गुडनेस ऑफ राइस वाटर एंड 10% नियासिनामाइड, मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड सेफ फॉर एवरीडे यूज़ है. राइस वाटर है वो ब्राइटन करता है स्किन को, गिव्स ग्लास स्किन ग्लो, नियासिनामाइड रिड्यूसेस डार्क स्पॉट एंड इवन स्किन टोन आपको देगा. इसका टेक्सचर जो है वो बहुत लाइट वेट है, फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है. कोरियन ग्लास स्किन ग्लो अगर आपको चाहिए राइस वाटर नियासिनामाइड से, तो आज से इस सीरम को यूज़ करना स्टार्ट कर दो. ग्लो देखो आप कितना अच्छा ग्लो हो जाता है, क्योंकि दिस सीरम डीपली हाइड्रेट योर स्किन एंड एड्स अ ग्लास लाइक ग्लो. 10% नियासिनामाइड टारगेट्स डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन. चलिए अब बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की. तो ये मम्मा अर्थ का राइस वाटर वाला सनस्क्रीन है और सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सबको पता है. सनस्क्रीन हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, हमारे स्किन के लिए बहुत सही होता है, ऑलवेज़ यूज़ करना चाहिए. इसके अंदर भी राइस वाटर है, नियासिनामाइड है और ये काफ़ी अच्छा आपकी स्किन के लिए. गाइज, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर्स एंड द स्पेसिस ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू. आप चाहें तो इनके प्रोडक्ट्स आप इनकी ऐप से ले सकते हैं या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं. आपको जो कूपन कोड है वो दोनों पे ही अप्लाई आप कर सकते हो. तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है इनके प्रोडक्ट्स. मुझे तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं और इससे पहले भी मैं इन प्रोडक्ट्स को आपके सामने रिव्यू कर चुकी हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरा ग्लास स्किन चैलेंज को अचीव करने में. तो अगर आपको भी ये दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं मम्मा अर्थ की तरफ से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए और आज ही इसे बाय कर लीजिए. गुड मॉर्निंग नहीं करोगे? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और मैं जा रही हूँ आज मेरी लाइफ की सेकंड फ्रेशर्स पार्टी पे. मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो हमारे जो सीनियर्स थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों ने हमें फ्रेशर्स दी थी. सो नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर, तो हम फर्स्ट ईयर वालों को फ्रेशर्स दे रहे हैं. तो आज फ्रेशर्स है, आज बहुत बारिश भी है. मैं खुद से जाने वाली थी बट अब पापा मेरे को छोड़ने आएंगे, बिकॉज खुद से जाऊंगी रिक्शा में. फ्लश बहुत प्यारा लग रहा है. कौन सा फ्लश लगा थी जरा दिखाओ ऊपर करके. दिस इज माय बहुत पुराना ब्लश, NYBA सनसेट स्काईलाइन ब्लश. बहुत प्यारा है, खोल के दिखा. See the color, यार बहुत प्यारा है. Beautiful. मेरे को नील पेंट भी लगानी थी. My nails are so piggy. Good, good. पूरा तैयार हो जाओ फिर अपना एक लुक. और मैं ना कुछ करती हूँ, जैसे ये ब्लश लिया और इसे हल्का सा ऐसे आंखों पे लगा लिया. देखो इधर 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 करके लगा. आई शेडो जैसे हो जाता है वो. तुम्हारा बेस बहुत अच्छा लगा है. इसको बेस मैंने लगा के दिया है और बहुत लाइट लगाया मैंने बेस. Wow, that's really nice.
ये हल्का सा ऐसे खुद से मतलब आई शेडो करनी भी नहीं पड़ती, ऐसे मस्त हो जाता है। और फिर नीचे जो लग जाता है ना, जैसे यहाँ नीचे लग गया, पाउडर से सेट कर लो, जिसे आई शेडो करना ना आता वो ये करे मेरी तरह। और बेस कैसा लग रहा है प्रीशा, तो सच बोलना बहुत अच्छा लगाया मैंने। मैं ना पहले मैं अकेली उठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेस कैसे करूंगी, मम्मा तो सो रही है क्योंकि आज संडे है ना। बट फिर मैं उठ गई क्योंकि मुझे लगा बच्ची को बेस लगाना है। ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये नीचे का निकाल देती हूँ। आज इसका फ्रेशर पार्टी है जो कि सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वालों को देते हैं, ऐसे कुछ होता है। एंड ये रेडी हो गई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और पता है बिल्कुल इधर ना बचपन वाले फोटो के साथ दिखाती हूँ, वो बचपन वाला। हाँ ठीक है, दिखा दे थोड़ा उधर जा। ये यही बच्चा है, यही वाला बच्चा ये है। एंड ये पीछे आवाज आ रही है, मशीन की आ रही है। बहुत प्यारी लग रही हो, दिखाओ प्रिशा कैसी लग रही है बच्चा आप बताइएगा। और इसने ईयर रिंग बहुत प्यारे डाले हैं, दिखाना। नहीं बर्थडे वाले डाले मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। और जब ये तैयार होती है, जब लिपस्टिक वगैरह लगाती है ना, पता नहीं क्यों मुझे ना मेरी मम्मी जैसी लगती है ये। इसके लुक्स मेरी मम्मी से काफी मैच होते हैं। नेल पेंट बाकी है, वो मैं ना गाड़ी में ले जाऊंगी पापा के साथ। ये इसका पूरा आउटफिट है, फ्लोरल ड्रेस, गाउन पहन रही थी पहले जो ऐसे सेम प्रिंट का मैंने गोवा में पहना था। बट आई टोल्ड हर कि इस ड्रेस में तुम ज्यादा सुंदर लगोगी, थोड़ी बच्ची जैसी लगोगी, छोटी छोटी बेबी जैसी। हाउ शी लुकिंग बताना आप। कुछ भूल गई, कुछ भूल गई। हाँ ये वाला बैग जो इसको मैंने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, आज फर्स्ट टाइम ये ले रही है। ये आपको याद होगा, इसको बर्थडे पे मैंने गिफ्ट कर दिया। सामान रखना है मेरे को, मैं पहले फोटोज खिंचवा लूँ। हाँ फोटो खिंचवाने आई है मैडम यहाँ पे ना। रिंग लाइट जलाऊँ क्या? नहीं जरूरत नहीं है ना, ठीक है। वैसे बैग कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना। ये मैंने मिंत्रा से बाय करा था इसके लिए, इसके बर्थडे पे। वो कैसे अजूबे की तरह देख रहे हैं। ये पर्स बहुत प्यारा लग रहा है। पापा छोड़ने जा रहे हैं इसके, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश है आज, बहुत ही तेज तूफान के साथ। सारी रात तूफान आया है पता है। हाँ, बहुत। सारी रात तूफान आया है। चलो पापा। तो सुबह सुबह के टाइम आज मैं बहुत उमंग में थी, बहुत जोश में थी। पहले मैंने सोचा था नहीं जाऊंगी मैं सुबह तक, प्रशा को मना कर रही थी अर्ली मॉर्निंग तक, वो फ्रेशर्स में गई है। लेकिन उसके बाद उसका कॉल आया, नहीं आपको आना है। तो मैं ये गाने चला के ना अपने घर का सारा काम फटाफट निपटा रही थी, डस्टिंग वगैरह। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको, यहाँ साउथ गुजरात में इस वक्त बहुत बारिश लगी हुई है। इस बार मानसून यहाँ बहुत लंबा चला है, इतनी ठंडी हवाएँ, इतनी तेज़ हवाएँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। और पीछे आपको बैक साइड वेदर दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे बालकनी से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, इतना प्यारा, रह रहे के बारिश हो रही थी। और यहाँ वेदर काफ़ी ख़राब है, इस वजह से सब लोगों को वायरल भी बहुत हो रहा है। और हमारे इस वक्त साउथ गुजरात में इतना वायरल फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, और जो कि मुझे भी लग गया। और मेरे घर में सभी को होके चुका है, अभी पहले अभी को हुआ, फिर प्रिशा को, फिर विवेक को, और अब लास्ट में मुझे हुआ है। इसी दिन हुआ था क्योंकि आज के दिन मैं फ्रेशर्स में जाते हुए बहुत भीग गई थी। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी 11:15 हो रहे हैं और मैं निकल रही हूँ प्रिशा के उसमें फ्रेशर में। वहाँ मेरा ना आज बैनर लगा है, एक्चुअली स्पॉन्सरशिप चाहिए थी उन लोगों को, तो मैंने स्पॉन्सरशिप दी थी तो उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है। पहले सोचा था नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर प्रिशा जिद करने लगी कि मम्मी आपको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि आप स्पॉन्सर हो और सभी स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ, 10:30 तक तो मैंने घर के सब काम निपटाए, डस्टिंग की। भाभी आ चुकी है, भाभी आज पंखे साफ कर रही है, देखो हमारी भाभी गणपति की तैयारियों में लगी हुई है। तो आज का पूरा दिन मैं वहाँ रहूँगी, शायद शाम तक, पता नहीं कितने बजे तक। और विवेक और रवि का खाना वाना कुछ नहीं बनाया, नाश्ता करवा दिया इन दोनों को, अब ये दोनों खुद जाने हैं आज के दिन। एक दिन तो छुट्टी बनती है, वैसे भी आज संडे है। तो मैंने हाथ में पहना है ये, बहुत जल्दी रेडी हुई ना, जो मिला वो पहन लिया। इधर ब्रेसलेट ही वाला लिया है, इधर वॉच और एक ब्रेसलेट है ये वाला। गले में कान में कुछ नहीं पहना, कान मेरे दुख रहे हैं, सो नो। और बाल भी नहीं धुले थे तो मैंने ऐसे ही हल्का सा पानी लगा के इनको ऊपर टाई कर दिया, और ये वाला ड्रेस डाला है जो मैं सापुतरा डाल के गई थी, जल्दी जल्दी में यही मिला। बाकी सोच रही थी कुछ और साड़ी वाड़ी पहनूं, लेकिन सुबह में पॉसिबल नहीं है, वैसे मुझे बाइक चला के जाना है, मैं एक्टिवा चला के जा रही हूँ। और अभी ट्यूशन गया हुआ है तो विवेक उसको टेक केयर करेंगे। आज पति से छुट्टी, पूरा दिन बाहर, जल्द से शायद फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाऊँ, आज मैं घर पे नहीं आने वाली जल्दी से। विवेक जी
आज तुम्हारी पत्नी चली. Yes, enjoy yourself, have a good day. वो क्या हवा में उड़ता जाए. ये भी तो प्रिशा को लेके आएगी ना. पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो शायद जल्दी आ जाऊं. ये और भाभी, भाभी और ये और भाभी गन्नू को आशीर्वाद लेने जाना. गन्नू की तो ये डेकोरेशन हो चुकी है, अभी तो गन्नू के आने में टाइम है. चलो फिर निकलते हैं, फ्रेश पार्टी दिखाती हूँ आपको. अच्छा तो उसको बोल दो ना, फोन करके बोल दो उसको, इनकी फिजियोथेरेपिस्ट अभी आने वाली है, फोन करके बोल दो शाम को आने को. चलो मैं चलती हूँ. ये ड्रेस कैसा लग रहा है बताना. बस लगाना तो बनता है, सनग्लास हमेशा अच्छे लगते हैं. बारिश जैसा है बाहर, मौसम तो आज बहुत अच्छा, खूब ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया वाली ठंडी हवा है, बट फिर भी सनग्लास तो चाहिए, थोड़ा स्टाइलिश लगता है. चलो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ये बहुत क्या बोलते हैं प्राउड की बात है कि मुझे वहाँ पे मेरा बैनर लगा है बहुत बड़ा, उन लोगों ने इतना सम्मान दिया है मुझे, और शायद स्पीच भी होगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. बस मैं जा रही हूँ क्योंकि प्रशा ने बहुत रिक्वेस्ट की सुबह में, तो मैंने उसे मना कर दिया था, फिर दोबारा उसका फोन आया, मम्मी प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ. मैं कहा ठीक है बेटा, आती हूँ थोड़ी देर के लिए. तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी प्रशा के फ्रेशर्स में, और जैसे ही मैं पहुँची इन लोगों ने मुझे स्टेज पर इन्वाइट किया स्पीच के लिए. मैं 6 साल से एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क कर रही हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे. व्हाट आई विल से टू यू गाइस, कीप इट अप. लाइफ में जो भी, जो इंसान, जो बच्चा जो करना चाहता है, जस्ट गो अहेड. हार्ड वर्क नेवर वेस्ट, यू नो इट कम्स बैक. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, चाहे वो कोई भी फील्ड है, कोई भी, मतलब मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं, तो आई वॉज लाइक स्टार्टेड फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल 2018. दैट टाइम आई वॉज नॉट नोइंग वेदर आई गेट सक्सेस और नॉट. आई स्टार्टेड बस ऐसे ही, यू नो, यार पढ़ाई का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यू हैव अ गारंटी, यू नो, कि कुछ ना कुछ तो आप लाइफ में जरूर कर लो. बट जैसा प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, आई वॉज नॉट नोइंग मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊंगी, बट आई स्टिल आई स्टार्टेड. आई डिड हार्ड वर्क फॉर ऑलमोस्ट 1 year, 1.5 years, देन मुझे सक्सेस मिला. उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे वर्क किया, वहां भी सक्सेस मिल गया. टू देम बीन लॉट्स ऑफ कोलैबोरेशन, मोर देन आई थिंक 500 प्लस ब्रांड्स विद देम आई हैव वर्क. लेट इट बी लॉरियल, लेट इट बी गोदरेज, लेट इट बी एनी ब्रांड लाइक वॉलमार्ट, एमेज़न, फ्लिपकार्ट, एवरी ब्रांड आई एम वर्किंग विद. सो जस्ट वांटेड टू से गो अहेड 100%. यू गाइस आर गोना अचीव व्हाटएवर यू वांट टू. लव यू ऑल. बहुत ही सम्मान की बात थी मेरे लिए कि इतने सारे बच्चे जो कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में थे, उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार से मुझे वेलकम किया और मेरे लिए क्लैपिंग की, और मुझे बहुत खुशी हुई. और एक्चुअली स्पॉन्सरशिप मैंने इसलिए नहीं की थी कि यहाँ पे कोई मेरा नाम हो जाए. ये पोस्टर वगैरह इन लोगों ने इसीलिए लगाया था, इन्होंने ही डिमांड किया था पोस्टर का, तो मैंने इन लोगों को फोटो दिया था. एक्चुअली ये स्पॉन्सरशिप इसलिए थी क्योंकि कुछ पैसों की बच्चों को कमी पड़ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो वी शुड हेल्प. तो मेरे जैसे और कई लोगों ने हेल्प की थी. सो यहाँ पे इतना सारा क्राउड था, बहुत अच्छा लगा. प्रिशा के ढेर सारी फ्रेंड्स से मैं मिली और बहुत खुशी हुई मुझे. और कुछ मेरी वहाँ फैंस भी थी जो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरे वीडियोस देखती हैं और मुझे अपना आइडल मानती हैं. सो लव यू सो मच. अगर वो बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार आप सभी को कि आपने मुझे इतना प्यार दिया. एक परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे. अभी भी देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब है क्योंकि बुखार तो चला गया है, लेकिन सर्दी खांसी लास्ट में रह जाती है ना, वैसे वाली बात है. ये वाला परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना मज़ा आया था. लेकिन मैं आपको म्यूज़िक के साथ नहीं शो कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा. और चलो फिर अब मैं चली जाती हूँ. अभी फंक्शन तो शाम तक चलने वाला है, लेकिन मैं आफ्टरनून में ही यहाँ से निकल गई थी और फिर मैं पानी में भीग गई थी. सो गाइज़ यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी प्रिशा की फ्रेंड्स हैं, और जो ये मान नहीं रही थी कि ये मैं इसकी मम्मा हूँ. मतलब सारा फोटो वोटो खींच लिया इन लोगों ने मेरे साथ. उसके बाद जब प्रिशा ने बताया कि मम्मा बाय बोला ना, देन शी वाज सरप्राइज्ड कि नहीं आप तो सिस्टर्स हो. बाय द वे ये सारी फ्रेंड्स हैं प्रिशा की, एंड ऑल आर वेरी स्वीट, सॉफ्ट स्पोकन, बड़ी प्यारी प्यारी है. और इसका नाम नैन्सी है और ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, ऐसा प्रिशा का कहना है. सो वी क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स और मैं सब भेज दूंगी आप लोगों को. ओके ओके ओके. तो चलो मैं अब जा रही हूँ घर पे, अब ये लोग एंजॉय करेंगे शाम तक. तो लव यू, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय बाय.
तो जब मैं, ये जन्माष्टमी का दिन था और शाम को हमारे यहाँ कृष्ण जन्म चल रहा था, हम कौन सा करते हैं जब उनका जन्म हुआ था ना मथुरा में, वो वाला हम रात को 12 बजे करते हैं, यानी कि 25 तारीख की रात थी, नेक्स्ट डे 26 तारीख थी और 25 को इसका फ्रेशर था। और जब मैं फ्रेशर से लौटी ना तो मैं बारिश में काफ़ी भीग गई थी उस दिन जाते आते ना, लौटते हुए भी। तो आने के बाद मुझे हल्का सा जुकाम और हल्का सा बुखार चढ़ा था रात को, बस तभी से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए ठीक से कुछ व्लॉगिंग नहीं हुई जन्माष्टमी की, क्योंकि मैं बिस्तर पे पड़ी थी, बस पूजा करने के लिए उठी थी।